Hello students, welcome to our online class. Today we are discuss about chapter 2 Durbuddhi Vinashyati of class 7. Dekho book. Asti Magadha Deshe Kullotpala Namah Saraha Tatra Sankata Vikatau Hansau Nivasatah Kambugriva Namakah Tayoho Mitram एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्यकुर्मादीन् मारयिष्यामः एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्तां श्रुता अधुना किं अहं करोमि हंसौ अवदताम् प्रातः यत् उचितं तत् कर्तव्यं कुर्मः अवदत् मैवं तद् यथा अहम् अन्यहृदं गच्छामि तथा कुरुतं हंसौ अवदताम् आवां किं करवाव कुर्मः अवदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि हंसौ अवदताम् अत्र कः उपायः कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि हंसौ अकथयताम् सम्भवति एषः उपायः किन्तु अत्र एकः अपायमपि वर्तते आवाभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम् अतः त्वम् अत्रैव वस तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत् किम् अहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि किञ्चित् अपि न वदिष्यामि अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतामि एलिता देखो मगधदेशे फुल्लोत्पलनाम सरः अस्ति मगध देश में एक तालाब है उसका नाम फुल्लोत्पल फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब मगध देश में है तत्र वहाँ पर संकट विकटौ हंसौ निवसतः वो तालाब में दो हंस रहते थे वो दो हंस का नाम संकट विकट कंबुग्रीव नामक तयोः मित्रम वो दोनों हंस के एक मित्र कंबुग्रीव नाम का कछुआ वहाँ पर उसके साथ भी रहता था अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् उसके बाद एक दिन मछुआरे वहाँ पर आए ते अकथयन् वे कहे कि वयं स्वः मत्स्यकुर्मादीन् मारयिष्यामः वयम हम सब स्व मतलब कल आने वाला कल टुमरो आने वाला कल मत्स्य कुर्मादीन मारयिष्यामः मछली कछुए जितने भी हैं ये तालाब में उन सबको मारेंगे एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत् ये वार्ता सुनकर कछुआ कहा मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्तां श्रुता कछुआ वो दो हंस को कहा कि अरे मित्रे किं युवाभ्याम तुम दोनों मछुआरे के जो बात कर रहे थे वो वार्ता सुने अधुना किं अहम करोमी मैं अभी क्या करूं दो हंस कहे हंसो अवदताम दो हंस बोले कि प्रातः यत उचितम तत् कर्तव्य सुबह सुबह जो उचित है वही करेंगे कुर्मः अवदत् मैवम नहीं नहीं ऐसे करना उचित नहीं है तद यथा अहम अन्य हृदम गच्छामि तथा कुरुतम वो कछुआ कहा कि वो दोनों को मैं जैसे और एक तालाब यथा अहम मैं जैसे अन्य हृदम मतलब दूसरे तालाब में जैसे जाऊंगा ऐसे मेरे लिए उपाय कर देना हंसौ अवदताम दो हंस कहे वो सुनकर बोले कि आप हम किन करवा हम दोनों क्या कर पाएंगे कुर्मः अवदत् कछुआ कहा अहम जुबाभ्याम सह मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि आकाश मार्ग से
दूसरा कहाँ पर जाने के लिए चाहता हूँ। हंसो अवदता। दो हंस कहे, अत्र कह उपाय हो, अभी क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ कहा, युवाम काष्ठदंडम एकं चंचुआ धारयताम, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडा में एक एकं चंचुआ धारयताम, एक डंडा में तुम दोनों की चोंच को वो डंडा को पकड़ना। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य, मैं ये काट के लकड़ी ये डंडे के बीच में रहकर युवयो हो पक्ष वाले न तुम दोनों के पंख के बल से सूखे न गमिष्यामि, मैं बीच में रहूँगा, तुम दोनों पंख चोंच में उसको पकड़ना और तीनों मिलके हम चले जाएंगे। हंसो अकथयताम, दो हंस कहे, संभवति ऐसा हो उपाय हो, ये उपाय लेकिन संभव है, किंतु अत्र एक अपायमपि वर्तते, लेकिन ये उपाय संभव है सिना, लेकिन उसमें एक खतरा भी है, अपायमपि वर्तते, असुविधा भी होगा। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों लेकर आपको लेकर जाते हुए देखकर, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर लोग कुछ कुछ कहेंगे, वदिष्यन्ति एव, यदि त्वाम उत्तरम दास्यसि, वो जो लोग जो कहेंगे उसका उत्तर अगर तुम लोग दोगे, तदा एव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना मृत्यु होना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, ये सोच के ये बीच में बैठकर हमारे साथ चलना। तश्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, वो सुनकर वो गुस्सा होके वो कछुआ कहा, किम अहम मूर्ख, मैं क्या मूर्ख हूँ, मैं उत्तर दे दूंगा, नहीं दूंगा, उत्तरम न दास्यामि, किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी कहूँगा नहीं, अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जो कहूँगा तुम दोनों, युवाम मतलब तुम दोनों वही करना।